हरियाणवी डांसर, सिंगर और एक्ट्रेस सपना चौधरी की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं। हाल ही में 25 दिसंबर क्रिसमस के मौके पर गुरुग्राम में हुए कार एक्सीडेंट मामले में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए सपना पर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना में सपना चौधरी का वाहन भी शामिल था। सपना की ओर से पहले नोटिस का जवाब नहीं देने पर पुलिस ने FIR दर्ज की है। हीरोंडा चौक के ऊपर दिनांक 25-26 दिसंबर की इंटरवेनिंग नाइट 12 बजे के बाद एक VT पुलिस को प्राप्त होती है कि इस तरह एक एक्सीडेंट हो गया है, जिस पर मौके पर SC निशांत गया। वहाँ पर एक कैंटर चालक और कैंटर आइसर मिला। उस कैंटर चालक ने बताया कि इस तरह से एक फॉर्चुनर गाड़ी, जिसका नंबर DL10CK9437 है, उस फॉर्चुनर वाले ने गलत और तेज़ रफ्तार से चलाकर मेरी साइड से एकदम से गाड़ी आगे निकाली और एकदम से मेरा आगे ब्रेक लगा दिए, जिस वजह से मेरी गाड़ी उसमें जाके जो आइसर कैंटर भिड़ गई। मैंने ब्रेक भी लगाए परंतु डिस्टेंस कम होने की वजह से मैं उसको नहीं रोक पाया भिड़ने से। जो इस दरखास्त को 27 तारीख को कैंटर चालक ने चौकी के अंदर एक लिखित में दरखास्त दी, जिस दरखास्त के ऊपर इस जो गाड़ी है DL10CK9437 फॉर्चूनर गाड़ी, ये गाड़ी की रजिस्ट्रेशन से पता लगा गया तो ये गाड़ी सपना डॉटर ऑफ भूपेंद्र, जो दिल्ली का एड्रेस था, उनके नाम रजिस्टर्ड निकली, जिस पर उनको सूचित किया गया स्टेटमेंट देने के लिए। उन्होंने 30 तारीख तक का समय मांगा, जिस पर 30 तारीख तक वो नहीं आए तो 31 तारीख को कैंटर चालक की दरखास्त पर 279-336-427 IPC का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। सपना चौधरी की गाड़ी बताई जा रही है सर, ये जो बॉलीवुड डांसर है सर, जो गाड़ी है सपना चौधरी के नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन उस गाड़ी के अंदर उस दौरान कौन था कौन नहीं था ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है और जिसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है।